Good morning, student. Today we will start exercise 7.2. First question is match. Match आपने करना है. इस साइड आपको फ्रैक्शन दी हुई है, इस साइड आपको ये नंबर्स में दिया हुआ है. आपने इसको इससे मैच करना है. तो इसके लिए आपको जो ये है फ्रैक्शन रीड करनी आनी चाहिए. बेटा ये क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? टू और फाइव को कैसे पढ़ेंगे? टू फिफ्थ. तो जहां पे भी यहाँ टू फिफ्थ लिखा हुआ है वहां आप नंबर वन डाल देंगे. ये टू फिफ्थ हुआ. नेक्स्ट इज थ्री फोर्थ. तो थ्री फोर्थ पे आपने टू नंबर डाल देना. वन बाय टू को हम कैसे पढ़ेंगे? हाफ पढ़ते हैं. हम इसे हाफ भी पढ़ सकते हैं और वन बाय टू भी. यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है तो हम इसे हाफ से मैच करेंगे. नेक्स्ट फोर सेवन्थ. तो हम इसे फोर सेवन से मैच करेंगे. नेक्स्ट राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर. ये जो आपको फिगर दी हुई है इसमें जो शेडेड पार्ट है उसकी आपको फ्रैक्शन बतानी है. तो इसमें बेटा आप ये देखिए, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है. इस स्क्वायर में जो है फोर पार्ट है, वन टू थ्री फोर, और शेडेड पार्ट यानी जिसमें कलर किया हुआ है उसको कहते हैं शेड करना. तो शेडेड पार्ट इसमें कितने हैं? वन टू. तो जितने शेड पार्ट है वो हम ऊपर लिखेंगे और जो नीचे होता है वो हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं. तो वन टू थ्री फोर, टोटल पार्ट्स फोर हो गए, शेड पार्ट टू हो गए. नेक्स्ट नेक्स्ट में हम देखेंगे वन टू थ्री, थ्री पार्ट्स शेड है, हमने ऊपर लिख दिया. बाकी कितने हो गए? फोर फाइव, टोटल पार्ट्स फाइव. इसमें शेड पार्ट वन, टोटल पार्ट वन टू. नेक्स्ट शेड पार्ट वन टू थ्री, यहाँ थ्री आएगा और टोटल कितना हो गया? वन टू थ्री फोर. तो फोर यहाँ पर हो गया. नेक्स्ट पिक्चर में शेड पार्ट वन टू, टोटल पार्ट्स वन टू थ्री फोर. तो फोर यहाँ पर. इस पिक्चर में बेटा वन पार्ट शेड है और टोटल पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हम नीचे लिख देंगे. इसी तरीके से आपने इसमें करना है. इसमें थ्री पार्ट शेड है, टोटल हो गया एट. इसमें टू पार्ट शेड है, टोटल है फाइव. इसमें वन पार्ट शेड है, टोटल पार्ट है सिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शन. ये जो है आपको फिगर दी हुई है, इसमें आपने कलर करना है. अब कलर कितना करना है? जो आपको ऊपर गिवन है. यहाँ ये ऊपर कितना गिवन है? थ्री पार्ट. तो आपने इसके तीन पार्ट को फिगर करना है. ये मैंने यहाँ पर ये किया है, ये वन पार्ट, टू पार्ट और ये थ्री पार्ट. आपने इसको कलर कर देना है और फोर टोटल पार्ट है, इसमें से थ्री पार्ट को करना है. अब आप इसमें देखिए, ये है फाइव बाय एट. तो आपने किसको कलर करना है? वन टू थ्री फोर एंड फाइव. ये जिस पे मैंने निशान लगाए हैं आप इसमें कलर करेंगे. बाकी ये टोटल हो गए एट. सेम इसी तरीके से इसमें आप कोई भी दो पार्ट को कलर करेंगे. मैं सिर्फ टच कर रही हूं, आपने इसमें पूरा कलर करना है. इसमें वन पार्ट को शेड करना है. इसमें हमें फोर बाय एट दे रखा है, फोर पार्ट, वन टू थ्री फोर. आपने खाली ऐसे निशान नहीं लगाना, आपने इसमें पूरे में कलर करना है. फिर है थ्री पार्ट, वन टू थ्री. आपने इसमें थ्री पार्ट में कलर करना है. यहाँ है सेवन, काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. आप पहले इस तरीके से निशान लगा के आप उसमें पूरे में कलर कर देंगे. फिर नेक्स्ट टू पार्ट्स, वन और ये टू. फिर है सेवन पार्ट्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. इसमें आप सेवन पार्ट में कलर करेंगे. तो जिसमें मैंने टिक डॉट लगाई है उन सब में आपने कलर करना है. नेक्स्ट है कलर वन पार्ट ऑफ ईच फिगर. उसने कहा एस के पार्ट्स को, फिगर के पार्ट को कलर करना है. किस किस कलर से? रेड ब्लू ग्रीन से. क्या क्या शो करने के लिए? टू शो वन बाय टू, वन बाय थ्री और वन बाय फोर. इसका मतलब ये है जिसमें पार्ट फोर बने हुए हैं उसमें आप ग्रीन कलर करेंगे, जिसमें आपके थ्री पार्ट बने हुए हैं उसमें ब्लू, और जिसमें टू पार्ट है उसमें रेड कलर. यहाँ मैंने जो है कलर्स लिख दिए हैं, आपने उन कलर से करना है. ये पहले में दो पार्ट बने हुए हैं यानी वन बाय टू फ्रैक्शन शो करनी है यानी रेड कलर करना है. तो आप इसके एक पार्ट में जो है कलर कर देंगे और यहाँ इसकी फ्रैक्शन लिख देंगे. इसमें फोर पार्ट बने हुए हैं यानी आपने वन बाय फोर फिगर को करना है. तो आप यहाँ ग्रीन कलर कर देंगे. सेम इसी तरह यहाँ थ्री है तो थ्री में आपने ब्लू करना है. तो आपने यहाँ पर एक में ब्लू कर देंगे.
ऐसे ही ये करना है आपने, यहाँ ग्रीन कलर भरना है, ये चार है तो आपने ग्रीन कलर करना है और वन पार्ट को आप कलर कर देंगे। ये थ्री पार्ट है तो वन पार्ट को आप ब्लू से कलर कर देंगे। टू पार्ट्स हैं, वन पार्ट को रेड से कर देंगे। ग्रीन फोर पार्ट है तो ग्रीन कलर करना है तो हम एक पार्ट को ग्रीन कलर से कर देंगे और इनके आगे हम इनकी फ्रैक्शन लिख देंगे। फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, इसकी 1/4, इसकी 1/3, 1/2, ब्लू की 1/3, ग्रीन की 1/4। आपको यहाँ कलर नहीं लिखना, यहाँ मैंने कलर लिखा है आप लोगों को बताने के लिए, आपने सिर्फ कलर करना है और इसके बाद फ्रैक्शन लिखनी है और इसमें ब्लू कलर इसमें रेड कलर आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फ्रैक्शन फॉर द पार्ट शेडेड डार्क एंड लाइट कलर। अब इसमें देखो बेटा, इस पिक्चर में तीन पार्ट हैं और तीन पार्ट में एक में डार्क कलर है, एक में लाइट, दो में लाइट कलर है, तो आपने डार्क पार्ट के लिए अलग फ्रैक्शन लिखनी है और लाइट पार्ट के लिए अलग फ्रैक्शन लिखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डार्क पार्ट इसमें वन है तो हम यहाँ पर वन लिख देंगे। उसके बाद आपने देखा लाइट पार्ट यहाँ पे टू है तो आपने यहाँ ऊपर टू लिख दिया। अब नीचे हमें क्या लिखना होता है, टोटल पार्ट्स, जो फिगर है उसके टोटल पार्ट्स कितने हुए, 1, 2, 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ पे भी हमारा 3 आएगा, तो सिर्फ आपने शेड पार्ट, डार्क है तो यहाँ, लाइट है तो यहाँ पे आपने लिखना। अब इस वाले इसमें कितने पार्ट डार्क है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, और टोटल पार्ट्स कितने, 16। लाइट पार्ट कितने हैं, 10, टोटल 16। इस वाले में 1 पार्ट डार्क 1 पार्ट लाइट, टोटल कितने हैं, 2, 2। इस वाली फिगर में 6 पार्ट डार्क हैं 3 पार्ट लाइट है और टोटल कितने हैं, 9, तो हम दोनों में नीचे 9 लिख देंगे। इस वाले क्वेश्चन में 1 पार्ट डार्क है और 3 पार्ट लाइट है और टोटल कितने हो गए, 4। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।